कि हज़रत इमाम महदी जब क़ुर्ब क़यामत में तशरीफ़ लाएंगे तो वो हज़रत इमाम हसन की नस्ल से होंगे। और आप जानते हैं कि हज़रत इमाम महदी की खिलाफत अला मिनहाजुन नबुवा होगी और वो खिलाफत पूरी दुनिया पर होगी, पूरी दुनिया पर इस्लाम का झंडा लहराएगा और अल्लाह उनके ज़रिए से ऐसा पायदार अमन कायम करेगा कि घाट के ऊपर भेड़िया पानी पी रहा होगा तो भेड़ भी आकर साथ पानी पीने लग जाएगी, उसको फिक्र नहीं होगा कि ये भेड़िया मुझे चीर फाड़ के खा सकता है, उसे ये पता होगा कि मुसलमानों का अमीर इमाम महदी मौजूद है। ऐसा पायदार अमन मौजूद होगा, इस्लाम की खुशबू गली गली फैल जाएगी और कायनात में एक भी घर ऐसा नहीं होगा जिस घर की छत पे मेरे हुजूर के नाम का झंडा नहीं होगा। इस्लाम का फैलाओ और ये तख्त व ताज छोड़ा था हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने और फिर अल्लाह इमाम हसन की औलाद से इमाम महदी को ये एज़ाज़ देगा कि पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत हज़रत इमाम हसन के बेटे की होगी। कुर्बानी देने वालों की कुर्बानियाँ ज़ाया नहीं होती, उनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाती, अल्लाह उनका सिला जमा कर लेता है या उनको दुनिया में देता है या आखिरत में देता है, और कईयों को दुनिया में भी अता करता है और आखिरत में भी अता करता है। नस्लों के अंदर अच्छों की अच्छाई की बरकत पैदा होती है। तो हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस कुर्बानी को जो तख्त व ताज की कुर्बानी थी उसका सिला ये कि आपके फर्जंद पूरी दुनिया के तख्त के मालिक होंगे और खिलाफत की वो सूरत के पूरी दुनिया के अंदर ऐसा पायदार अमन कायम होगा कि देखने वाला होगा। तो ये हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान है, ये आपका मर्तबा है और आपको दिया गया मुकाम है। खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत इमाम महदी की खिलाफत अला मिनहाजुन नबुवा कायम होगी, उसी तरीके पे कायम होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अनफास की महक से दज्जाल पिघलता चला जाएगा। जब दज्जाल आएगा तो मेरे गुलाम उसके मुकाबले के लिए निकलेंगे। दज्जाल कब आएगा अल्लाह जानता है। 1400 साल इस बात को बताए हुए हो गए, कहा कुर्बे कयामत में दज्जाल आएगा, मेरे गुलाम उसके मुकाबले में निकलेंगे। इन्नी लआरिफु अस्माअहुम, मैं अपने उन गुलामों के नामों को जानता हूं। बात खत्म यहां नहीं हुई, यहां खत्म हो जाती फिर भी काफी था, लेकिन मेरे हुजूर ने आगे भी बात फरमाई। वह अस्मा आबाएहिम, उनके बापों के नामों को भी जानता हूं, उनके बापों के नामों को भी। कहानी खत्म नहीं हुई, बात आगे फरमाई। वह अलवाना खुयूलेहिम, जिन घोड़ों पे चढ़ के जिहाद करेंगे, मैं मोहम्मद उन घोड़ों के रंगों को भी जानता हूं। कौन सा गुलाम, किसका बेटा, किस कबीले का फर्द, किस रंग के घोड़े पे बैठ के जिहाद करेगा, कहा मैं सब जानता हूं। जब तक पूरी दुनिया पर इस्लाम नहीं फैल जाएगा, पूरी दुनिया पर इस्लाम नहीं फैल जाएगा, शरक से लेकर गर्ब तक, शमाल से लेकर जनूब तक, कायनात की एक छत भी ऐसी नहीं होगी जहां मोहम्मद अरबी के नाम का झंडा नहीं झूल रहा होगा, हुजूर के नाम के फुरेरे लहरा रहे होंगे। ये अल्लाह के महबूब की अजमत है। कुफर मिट जाएगा। क्या ताकत थी, क्या आवाज थी कि ऐसे अस्वद व अहमद भागे हुए चले आ रहे हैं। वो कड़का था एक बिजली का, या कि सौते हादी अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी, और जमाने ने देखा आज 7 अरब की आबादी में 1 अरब 70 करोड़ के करीब मुसलमान हैं। जापान में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब इस्लाम है, यूरोप में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब इस्लाम है। बेअमल सही, जैसे भी सही, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम का दीन फैलता चला जा रहा है। फरमाया जन्नत में कुल 120 सफ़े होंगी, टोटल सफ़े जन्नत की 120 होंगी। 40 सफ़े आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबियों की उम्मतों की होंगी, 80 सफ़े सिर्फ मेरी उम्मत की होंगी। यह है हुजूर अलैहिस्सलाम के पैगाम की आफाकियत। जिधर देखो हुजूर के दीवाने दिखाई देते हैं। अल्लाह हमें तौफीक अमल दे। अगर हम सच्चे खरे सीधे दो टोक मुसलमान बन जाएं
तो पूरी कायनात हमारे कदमों तले है, इसलिए कि हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। और आज देख लीजिए, आज हम कट रहे हैं, लुट रहे हैं, पिट रहे हैं, लेकिन हम फिर भी शाद काम हैं। आज हम दुनिया के ऊपर अददी कसरत के बावजूद भी जिल्लत और रुसवाई के गढ़ों में गिरे हुए हैं। इतनी तादाद हमारी कभी नहीं हुई थी जितनी इस वक्त दुनिया के ऊपर मुसलमानों की अब तादाद है। दुनिया की 6 अरब आबादी में से तकरीबन 2.25 अरब मुसलमान हैं। 56-57 बाकायदा इस्लामी रियासतें हैं, और उसके अलावा अल्लाह ने हमें मुख्तलिफ मादनियात से, तेल जैसी दौलतों से मालामाल किया है। एटमी ताकत भी हम खैर से हैं, लेकिन इसके बावजूद जो जिल्लत, जो नुकबत, रुसवाई, पस्ती और जुबूहाली हमारा मुकद्दर है, माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हमें इस्तेदाद का, वीटो का हक भी हासिल नहीं है। दुनिया की नज़रों में हमारी बेतौकीरी और नाकदरी का आलम यह है कि दुनिया के जिस खित्ते पर भी कोई खून बह रहा है, तो आप गौर करो तो वो मुसलमानों का खून बह रहा है। एक इंच भी जगह पूरी कायनात पे ऐसी नहीं जहां खून की अर्जानी हो और वो खित्ता कुफार का हो। जहां भी खून बह रहा है वो हमारा खून बह रहा है। इतनी सस्ती हुरमत और बेतौकीरी कभी नहीं हुई थी। मेरे और आपके आका और मौला हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बे कयामत के फितनों का जिक्र किया और उस दौर में आने वाली मुसीबतों का बयान इरशाद फरमाया और कहा कि एक वक्त आएगा कि तुम्हारी मिसाल ऐसे होगी जिस तरह भूखे प्लेट के ऊपर झपट पड़ते हैं, तो तुम इस तरह लोगों की हवस ज़दा निगाहों का शिकार होगे और लोग तुम्हें इस तरह नोच नोच के खाएंगे। तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, क्या उस वक्त हम थोड़े होंगे? फरमाया, नहीं, उस वक्त तुम्हारी तादाद बहुत सारी होगी, लेकिन तुम होगे झाग की तरह, सैलाब के ऊपर उठने वाली झाग की तरह तुम बेवज़न और बेतौकीर होगे। दुनिया के ऊपर तुम्हारी कोई कदर नहीं होगी, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, उसका 56-57 इस्लामी मुल्कों के हुक्मरान गैरत की चादर फाड़ चुके हैं, हमारी बेटियां गैरों के नरगे में हैं। एक वो वक्त था कि दैबल के साहल पे एक बेटी नाहीद ने पुकारा था, तो मोहम्मद बिन कासिम अल्लाह के कहर की बिजली बन के आया था। और आज कितनी बेटियां गैरों के नरगे में हैं, है कोई उनकी फरियाद सुनने वाला? कोई आखे वारस शाह नू आज कब्रां विच्चों बोल, आज किताबे इश्क दा कोई अगला वरका भोल, एक रोई सी ती पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां तियां देस तेरे दियां वारशा तेनू कहन, आफिया बेटी कौम तेरी दी रोवे ते कुरलावे, केड़ा ओदे अथरू पूंजे केड़ा चुप करावे, अज दीन नबी दा वांग यतीमा कर कर धक्के खावे, कितों लब्बा उमर बहादुर जेड़ा रोंदे नू गल लावे। आज ये हमारा हाल है और ये हमारी सूरत हाल है जिससे हम गुजर रहे हैं। तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने दौरे मौजूद के अंदर हम जहाँ जिस नहज पे पहुँचे हैं, इसकी निशानदेही भी कराई और फिर ये भी बताया कि उसका सबब वाहन का मर्ज होगा, और वाहन का मर्ज है क्या वो भी बताया, दुनिया की मोहब्बत और कराहियत मौत। आज दुनिया की मोहब्बत रच बस गई है। हर शख्स बज़ाहर तो ये कहता है कि बच्चों का पेट पालने के लिए ये दिन रात कोशा हूँ, जबकि पेट का इतना लंबा चौड़ा तकाजा तो नहीं है। दुनिया की मोहब्बत ने तोड़ के रख दिया, हम कदरें पामाल कर चुके हैं, हमारी ज़िंदगी बेतरतीब हो के रह गई, मकसद हयात से गाफिल हो गए हैं, दो दुनी चार के चक्कर में जो जहाँ भी है वहाँ मुतमईन ही नहीं है। रातों रात अमीर हो जाओ उसके लिए को कदर का पामाल करनी पड़े, किसी का खून निचोड़ना पड़े, किसी पर जुल्म जोर और जबर का बाजार गर्म करना पड़े, लेकिन मुझे दौलतमंद होना चाहिए। तो हुब्बे दुनिया बर्बाद करके रख देती है, और आज ये हमारे अंदर कूट कूट के भरी है, ख्वाहिशात के जहां आबाद हैं, और हम बस इसी चक्कर में दिन रात
गुजारा कर रहे हैं और एक दूसरे से आगे बढ़ने की इस दौड़ में ही हम कदरें पावाल कर चुके हैं। हमें अपने आप के लिए भी वक्त नहीं है कि हम सोचें कि हम इस दुनिया पे बैठ नहीं रहना, जितना भी कमा लेंगे छोड़ के चले जाना है। कफन ही एक ऐसा लिबास है जिस पर जेब नहीं है। बाकी जिस तरह के भी आप लिबास पहनते हैं, कई कई जेबें लगी होती हैं, लेकिन उस लिबास में कोई जेब नहीं है। जब बंदा मरता है तो उसका सारा माल तरका बन जाता है और बाद में आने वाले तो कफन भी मैला नहीं होने देते, बांट लेते हैं। वो तो एक घर रात रखने को तैयार नहीं होते, वो तो लिबास भी फाड़ के उतारते हैं। मियां साहब बोले, जांदी वारी डरौना बने हो ते हाथ ना लांदे डर दे, जिन्ना लई तू पाप कमाए अज किथे नहीं तेरे कर दे। तो जिंदगी की मुख्तसर सामानी ही जिंदगी का हुस्न है, लेकिन ख्वाहिशात ने हमारे अंदर को निचोड़ के रख दिया और हम सवेर से शाम तक एक ही धुन में लगे हैं कि हमारे पास दौलत के अंबार जमा हो जाएं। अच्छा, अगर अल्लाह ताला किसी के लिए दौलत मुकद्दर की है तो मैं उसका मुनकर भी नहीं हूँ, लेकिन ये हमारी तरजीहात में से नहीं है और हमें अच्छी कदरों का हामिल होना चाहिए, लेकिन सवेर से लेकर शाम तक हम इसी चक्कर में भागे फिरते हैं। जहाँ जितना रहना हो वहाँ उतना ही सामान करना पड़ता है। मुख्तलिफ ममालिक में जाना हो तो मैं देखता हूँ कि एक छोटे से कमरे में 10-10 नौजवान मिल के रह रहे होते हैं, खुद ही खाना तैयार कर रहे होते हैं, खुद ही अपना लिबास धो रहे होते हैं। तो ये मुख्तसर ज़िंदगी है, यहाँ जितना रहना है उतना इंतज़ाम किया जाए। ये सारी ज़िंदगी जो हम गुजारने आए हैं कितने सालों पर मुश्तमिल है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, कोई 100 साल का हो तो लोग तो इंटरव्यू करने आ जाते हैं कि आपकी सेहत का राज क्या है। 60-70 साल ये सारी ज़िंदगी, और आखिरत का एक दिन 50,000 साल का, 50 साल का नहीं, 50-100 साल का नहीं, 50,000 साल का एक दिन, और उसके बाद ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी। मौत को भी मेंढे की शक्ल में ला के ज़बह कर दिया जाएगा, मौत को भी मौत आ चुकी होगी, तो ये कैसी ज़िंदगी होगी। तो असल ज़िंदगी ये ज़िंदगी है, इसीलिए खंदक खोदते सहाबा को जब देखा उन पर प्यार आया तो यही कहा, ए अल्लाह ज़िंदगी तो आखरत की ज़िंदगी है, मेरे अंसार को भी बख्श दे, मेरे मुहाजिरों को भी बख्श दे। तो असल ज़िंदगी आखरत की ज़िंदगी है, लेकिन दुनिया हुलमुन मीठा ख्वाब है, और यहाँ इस ख्वाब से बंदे की जब आँख खुलती है तो फिर समझ आती है, और ख्वाब में बंदा हचकोरे ले रहा होता है। तो हम उन अजीब कैफियात के अंदर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं जबकि असल हकीकी सरमदी और ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। वो एक फ़कीर था तो उसने बाज़ार में गुजरते हुए लोगों को दुनिया में खोए हुए देखा तो उसके दिल में तरस और मोहब्बत के जज्बात पैदा हुए। तो उसने लोगों को कहा कि तुम्हारे इस रवैये से बड़ा आज़ुर्दा हुआ हूँ, ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है, आओ मैं तुम्हारी रब से सुलह करवा दूँ। तो मैंने उससे बात की है तो वो कहता है, इन बंदों को मेरी दहलीज पे ले आ, एक आंसू से सारे गुनाह माफ़ कर दूँ, माजी सारा धुल जाएगा सिर्फ अश्क नदामत से। अल्लाह अकबर। तो लोग उसका उल्टा मजाक उड़ाने लगे तो वो खड़ा उनके रवैये से तंग दिल होकर रोने लगा। अचानक कोई शख्स गुजरा तो देखा कि ये फकीर रो रहा है, तो उसने कहा कि बाबा क्यों रो रहा है, किसी ने मारा है, तंग किया है। उसने कहा ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, बल्कि इनके रवैये ने मुझे रुला दिया है। क्या हुआ, कहा इनको दुनिया में खोए हुए देखा तो मेरा ख्याल हुआ इनकी रब की सुलह करवा दूं, तो वो तो मानता है यही नहीं माने, तो मुझे इनकी बेहिसी पे रोना आ गया कि ये समझते नहीं है 4 दिन की ज़िंदगी है। अगले दिन वही शख्स कब्रिस्तान के करीब से गुजरा, देखा कि वो फ़कीर वो दरवेश वहाँ कब्रिस्तान में खड़ा रो रहा था, तो वो फिर रो गया। कहा बाबा बाजारों में भी रोता है, कब्रिस्तानों में भी रोता है, आज क्या मसला है। कहा मेरा मसला कल वाला ही है। कहा क्या मतलब, कहा कल बाजार वालों के करीब से गुजरा तो मेरा ख्याल हुआ कि उनकी रब की सुलह करवा दूं, तो वो तो मानता था वो ही नहीं माने, और उनसे मायूस हो गया तो आज इधर निकल आया, तो आज मेरा ख्याल हुआ इन कब्रिस्तान वालों की रब की सुलह करवा दूं। तो उसने कहा आज क्या बना। कहा आज ये मानते हैं वो नहीं मानता, आज उसकी रहमतें बरसने के लिए आमादा हैं, वक्त आज मेरे पास भी है आपके पास भी, कल ये सब कुछ नहीं होगा, हाथ से निकल चुका होगा,
आंखें जब बंद होंगी तब आंखें खुलेंगी, लेकिन फिर क्या फायदा? आज तो उसकी रहमतें आवाज दे रही, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, मुझे बताओ कोई यूं भी मोहब्बत से पुकारता है बागियों को, सरकशियों को? कभी आपने मुजरिम का पुलिस को ताकुब करते देखा होगा, सरकश शागिर्द के पीछे उस्ताद को दौड़ते देखा होगा, नालायक बेटों की मुरम्मत बाप को करते देखा होगा, लेकिन प्यार का ये रूप भी कभी देखा कि जो उसकी उसके हुक्मों को तोड़ के जा रहा है, सरकश है, मुतमर्रद है, उसके अकाम से मुंह फेर के बगावत करके जा रहा है, उसको उसकी रहमतें आवाज दे रही हैं, या अय्युहल इंसान, ओ भागने वाले इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, आजा पलट के, तेरा रब बड़ा ही करीम है। मैं कहता हूँ सारी दुनिया के शहद निचोड़ दिए जाए, इतनी मिठास ना हो जितनी लफ्जों के अंदर मिठास रख दी गई है। बागी और सरकश को आवाजें दी जा रही हैं, ओ भागने वाले आजा पलट के, तेरा रब बड़ा ही करीम। अल्लाह।